हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट सिचुएशनल प्लेटफॉर्म डाउट नेट पर। आप देख रहे हैं योगेश शुक्ला बायोलॉजी और हम हैं योगेश चंद्र शुक्ला। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए सेशन में, जिसमें क्लास 12th के आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 वंशगत की विविधता का सिद्धांत। सबसे बेहतरीन, सबसे ड्रामेस्टिक जिसे कहना चाहिए, अलग अलग कहानियों, अलग अलग कथाओं और बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, दुनिया के सबसे महानतम साइंटिस्ट की एक इन्वेंशन और इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ ये चैप्टर बहुत मजेदार होने वाला है। क्लास 12th में माना जाए तो दूसरा सबसे जरूरी चैप्टर, मतलब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में और नीट में भी, वो हम बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में। और पूछे जाएंगे आपसे 2-3 सवाल, तो अगले 15-20 मिनट तक हमारी क्लास को जरूर देखते रहिएगा। जस्ट 15 मिनट्स के बाद, 15 मिनट के बाद आपसे पूछे जाएंगे कुछ 5 बेहतरीन सवाल वंशागति से जुड़े हुए, जिसका आपको जवाब देना है और जवाब देना ही पड़ेगा। इसके अलावा चैट बॉक्स के ऊपर में एक लिंक है बेटा, आपको आपसे अगर मेरी पढ़ाई कुछ भी समझ में आती है या फिर आपको कोई कोर्स चाहिए या फिर कुछ भी आपको चाहिए, आप जाकर उस लिंक पे हमें अपना सुझाव दे सकते हैं कि आपको इस समय पे कौन सी क्लास की जरूरत है, कैसी जरूरत है, एंड बहुत वो सारी चीजें जो आप हमें बता सकते हैं उस क्लास में जाकर बता सकते हैं। चलिए जनाब, शुरुआत करते हैं बिना लेट किए हुए आज का सेशन। और उससे पहले कि हम चैनल सेशन स्टार्ट करें, आपका ये चैनल है योगेश शुक्ला बायोलॉजी। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है या फिर नीट में है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही चैनल है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिससे उन्हें दोबारा वीडियो ढूंढने में बार बार परेशानी होती है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मैं आने से पहले, आधा घंटे पहले आपको बता के आऊंगा कि जनाब आ रहे हैं। इसके अलावा आप हमारा सेमिनार, आप हमारे पीडीएफ, आप हमारे और भी जो भी जुड़ी हुई जानकारियां हैं, वो प्राप्त करने के लिए इस चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है योगेश सर बायोलॉजी। ये आपके काम की चीज है, यहां पर आपको जानकारियां मिल जाएंगी। एंड योगेश शुक्ला बायोलॉजी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, बायोलॉजी से जुड़े हुए और भी अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट नीट के, बायोलॉजी के, आपको इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मिलते रहते हैं। चलिए जनाब, लेट नहीं है, बस हो गया, आपकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं और शुरुआत करने जा रहे हैं आज का सेशन। आप में से सारे बच्चे को एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि बेटा, आप जब भी कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, उस दिन आप ये खुद से जरूर पूछा करो कि जो मैंने कल खुद से स्टार्ट करने का वादा किया था, क्या ये चीज हुई है या नहीं हुई है। आज का होमवर्क यही है और आज आपको क्लास को पूरा पढ़ते समय यही सोचना है कि आपने इस क्लास को स्टार्ट करते समय और अंत करते समय जो थॉट आपके दिमाग में है, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर वो पूरा हुआ है तो आपका हर दिन बेहतर जाने वाला है, लेकिन अगर गलती से आज आपने मिस कर दिया तो वही चीज बाकी दिन भी रूटीन में चलने वाली है। इसलिए बेटा, आज का होमवर्क जरूर कंप्लीट करें, आज की चीजें जरूर खत्म करें। बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। कमेंट सेक्शन पे मुझे जवाब चाहिए, आप में से कितने व्यक्ति यह जानते हैं कि जनाब कौन है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने अपने हिसाब से आपका जो सुझाव हो आप मुझे बता सकते हैं। आप जनाब को जानते हैं कौन है भाई साहब, ये स्मार्ट से बढ़िया दिखने वाले है ना, कौन है ये, कौन है ये? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी। अभी हम आते हैं पढ़ाई की तरफ में आते हैं, आज को हम बड़े जबरदस्त बात करेंगे। जल्दी बताइए फटाफट, कौन है ये जनाब? कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा रोर होना चाहिए, रोर होना चाहिए, बताइए कौन है। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये है जनाब ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, ठीक है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब कहना चाहिए इनको। इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट, बहुत बड़े इनकी थ्योरी और बहुत मोटिवेशनल साइंटिस्ट थे। मैं इनकी जानकारियां बताता हूं, मैं एक बात बताता हूं इनके बारे में, आप सभी को पता नहीं होगी, आपने सिर्फ इनका नाम सुना होगा। मैं इनका इतना सम्मान करता हूं, जहां तक मैं दूसरे किसी साइंटिस्ट को इनके बहुत, मतलब बहुत नीचे समझता हूं, इनको बहुत ऊपर समझता हूं मैं। एक कहानी की शुरुआत होती है चेकोस्लोवाकिया में, ये बाद में जर्मनी शिफ्ट हो गए थे, लेकिन इनके बारे में ये कहा यह जाता है कि ये सिर्फ मामूली एक भेड़ चरवाहे थे,
ठीक है, भेड़ चरवाहे थे। इसके बाद ये किसी तरह एक पादरी में गार्डनिंग का काम करने लग गए, और सॉरी एक चर्च में गार्डनिंग का काम करने लग गए, और वहां पर धीरे धीरे पादरी बन गए, चर्च में जो फादर होते हैं वो बन गए, और वहां पर गार्डनिंग करना इनका मेन शौक हुआ करता था। इनका बायोलॉजी वगैरह से कुछ खास मतलब था नहीं, लेकिन अचानक से इनकी कार्यक्रम जो इन्होंने किया, जो खोजा, इन्हें लगा कि कुछ अलग खोजा है मैंने, कुछ जबरदस्त खोजा है मैंने। उन्होंने इसको लिखना शुरू किया और पब्लिश करवाना स्टार्ट किया। जब पब्लिश ये करवा रहे थे, उस समय विश्व पे डार्विन साहब, चार्ल्स डार्विन साहब का बड़ा रोल था। इतना रोल था कि उनकी बात को कोई गलत तक नहीं समझ सकता था, ठीक है। मेंडल साहब ने अपनी चीज पब्लिश करवाई और वो थी अगेंस्ट डार्विन साहब। डार्विन साहब की बातों को गलत साबित करती हुई ये नई किताब मेंडल साहब ने लिखी थी। मेंडल साहब को किसी ने सच नहीं माना। मेंडल साहब अपने 60 साल के जीवन में मृत्यु को प्राप्त हो गए। कोई एक सिंगल पर्सन भी इन्हें साइंटिस्ट के तौर पर नहीं जानता था। मृत्यु के 28 साल बाद सन 1900 में तीन व्यक्ति जो अपना रिसर्च कर रहे थे, उसमें से ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के एक शिष्य भी थे, ठीक है, उनका नाम टी वॉन सेरमाक, कार्ल कोरेंसन, ह्यूगो डिवरीज, ये तीन साइंटिस्ट आए और इनकी कहानी को रीपब्लिश किया। रीपब्लिश करने के बाद ऐसा बवंडर छाया पूरे विश्व में कि आज इन्हें जनाब फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने ये कहा था माई टाइम इट कम, मेरा विल इट कम, मेरा समय अभी आएगा, मेरा टाइम जरूर आएगा, मेरा टाइम आएगा। इनका कथन था कि मेरा वक्त आएगा। और इनसे हमें सीखना मिलता है कि हमें अपने जीवन में सिर्फ काम को मेन प्रेरणा देनी चाहिए। हम सोचो, एकदम जस्ट एग्जांपल लगाओ कि हम कितने अलग तरीके से सोचते हैं। हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए, हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि भविष्य में सब अच्छा अच्छा कर पाए। हम कोई भी काम को सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस काम में प्रबुद्ध हो जाए, इस काम में सर्वश्रेष्ठ हो जाएं, इस काम में सर्विस मतलब हमसे बेहतर कोई ना हो पाए। ये काम हम इसलिए करते ही नहीं, हम हर काम इसलिए करते हैं कोई दूसरा चीज अच्छा हो जाए, समझ रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रकृति है। अगर हम किसी भी काम को इसलिए करने लग जाएं कि ये जो काम हो रहा है ये प्रबुद्ध तरीके से हो जाए, ये सर्वश्रेष्ठ तरीके से हो जाए, तो हम हर चीज में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, समझ रहे हैं। हम अपने घर से निकलते हैं कि पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तो भविष्य अच्छा हो जाएगा। यार भविष्य क्या होता है, जो आज हम चीज कर रहे हैं ना वो ही हमारा भविष्य बनाएगा। इसलिए आज की चीजों पे जो भी चीज हम पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक पढ़ाई पे ही सबसे बड़ा सवाल है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई के लिए करो। धन, रिश्तिया, शादी, ब्याह वो तो होंगे यार, वो तो जो लोग नहीं पढ़ते उनके भी हो जाते हैं। इसलिए आज की चीजों पे फोकस करना, पढ़ाई पे फोकस करना और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना, जो आपकी लाइफ का सबसे बढ़िया मजेदार टॉपिक होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में और इनको प्रणाम करते हुए करिएगा प्रणाम। ये हैं हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। और एक मजे की बात बताऊं मैं यहां पर, दुनिया में जो है वो जो मतलब छोटू, गुड्डू, लल्लू, मुन्ना, ये सब जो है ना, इनके पापा सब है, सब इन्हीं के पापा बनते हैं। लेकिन किसी विज्ञान की शाखा के पापा बनने का अपना ही एक सौभाग्य है, जो हर विज्ञान के साइंटिस्ट को नहीं मिलता है, ये इनको मिला था। इसलिए बहुत बड़ी बात है, वो भी अनुवांश की जैसा एक ब्रॉड सब्जेक्ट। उनके पिता हैं जनाब, तो इनके पिताजी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़िएगा। इनका नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था बेटा? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, बात समझ गए, इनके बारे में थोड़ा सा जानते। अच्छा, एक और साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में जाने बिना बायोटेक्नोलॉजी, या फिर कहना चाहिए कि हमारा जो अनुवांशिकी है वो भी कंप्लीट नहीं होता। एक और साइंटिस्ट है जिनकी शुरुआत एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि यार एनसीईआरटी के ये साइंटिस्ट कौन है। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ये कौन है, इनको भी नमस्कार करिएगा। इनकी भी कहानी बहुत जबरदस्त है। दुनिया में डीएनए के बारे में बताने का पहला जो रोल सबसे बड़ा मिला किसी को, वो ये दो साइंटिस्ट लोगों को मिला, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इनकी कहानी को एनसीईआरटी ने अपने पहले पेज में स्थान दिया है। तो आइए हम समझते हैं। मेंडल साहब को इसलिए बड़ा माना जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार बताया था, कुछ नया बताया था। इसके बाद के बाकी साइंटिस्ट लोगों ने भी बहुत अद्भुत अद्भुत बातें बताई, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा मतलब समझ लो, इनकी कहानियां भी बहुत जबरदस्त हैं।
वॉटसन के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। आइए जानते हैं कि पूरी एनसीईआरटी में इनकी किन किन कहानियों पे ज्यादा बड़ा सवाल उठता है या ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए एनसीईआरटी की इन लाइनों से भी नीट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में वैसे जन्म आप देख सकते हो, पर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जन्म इनका 1928 में हुआ था, ये सारी चीज जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली एक पॉइंट याद रखना, इनका काम जीवाणु भोजी बहुगुणन पर कठोर एक्सरे का प्रभाव पर कार्य करने के फलस्वरूप प्राणी विज्ञान में पीएचडी की। इनका पहला काम हुआ जीवाणु भोजी के बहुगुणन पर कठोर एक्सरे का प्रभाव, कि अगर जीवाणु भोजी अपना डुप्लीकेट कर रहा है, इस पे मैं एक्सरे डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये पहली चीज इन्होंने ये बताई। इससे बाद में इन्होंने क्रिक साहब से मिले और डीएनए की संरचना की गुत्थी सुलझाने के लिए सर्वप्रथम काम की, और इनका पहला प्रयास तो लेकिन जो है बहुत गंभीर था, लेकिन असंतोषजनक, बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन इसका दूसरा प्रयोग बहुत जबरदस्त था और उसके हिसाब से इन्हें बहुत डबल हेलिक्स, मतलब डीएनए का डबल हेलिक्स अनुरूपण का प्रस्ताव दिया। इन्होंने बताया कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, इन्होंने बताया डीएनए डबल हेलिक्स होता है। ये दो बातें हुई कि जीवाणु भोजी बहुगुणन पर कठोर एक्सरे प्रभाव इनका था, क्रिक साहब से मिले तो डबल हेलिक्स संपूर्ण बना, बाद में इन्होंने सारी चीजों को मिलाया और उसके बाद दिया पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन एक्सरे का विवर्तन। ये फ्रांसिस हैरी साहब थे, इन दोनों ने मिलाकर एक साथ डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल संरचना का कार्यक्रम बनाया था। दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, दोनों अलग अलग काम कर रहे थे और दोनों मिलकर फिर एक रिसर्च चलाया कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है, ये वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। तो आपको बताना है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, ये वॉटसन एंड क्रिक है, और इन्होंने बताया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो ये आप लोगों से बहुत पूछे जाएंगे, बहुत बार बार पूछे जाने वाले सवाल होंगे। एनसीईआरटी के ये दो साइंटिस्ट लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से आप याद करके फिर आगे बढ़िएगा। गॉट माय पॉइंट? ये इंट्रो इस चैप्टर का देना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, अगर हम उनके साइंटिस्ट को नहीं जानते तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट का नाम क्या था, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है जनाब, तो कमेंट सेक्शन पे एक बार प्यारा सरोर करिए और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का चैप्टर वंशगत की विविधता का सिद्धांत। ये दो चीजें आप जरूर पढ़ लीजिएगा, साइंटिस्ट लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी कहानियां पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तो नहीं, जन्म मृत्यु पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, वंशगत की एवं विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत, सवाल समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, चीजों को कहानियों को पढ़ते हैं और एक एक करके स्टार्ट करते हैं वंशगत की विविधता के सिद्धांत के एक एक टर्म्स को, एक एक कहानियों को, एक एक पॉइंट को। सबसे पहली बात देखो यार, दुनिया में होता क्या है, दुनिया में हुआ ये कि जब भी कुछ लोग आए तो इन्होंने देखा कि वंशगत की होती है। वॉट इज वंशगत की यार, वंशगत की है क्या, ये क्या चीज होती है? वॉट इज इनहेरिटेंस, ये शब्द जो हम बता रहे हैं ये होता क्या है, वंशागत की क्या होती है? तो पता चला कि लक्षणों का, ध्यान से समझना मेरी बात को, कॉपी में लिखना, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, कॉपी में लिखते हुए चलना, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण, माता पिता में कोई लक्षण था वो बच्चों में जाता है, बच्चों से उनके बच्चों में जाता है, उनसे बच्चों से उनसे बच्चों में जाता है, ये सारी चीज वंशागत की कहलाती है, वंशागत की कहलाती है। लक्षण जाते हैं ना भैया पीढ़ी दर पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तुम्हारे दादाजी की नाक यही थी, तुम्हारी नाक भी वहीं पर है, तुम्हारे माता पिता की नाक भी वहीं थी, उनके पिताजी की नाक भी वहीं थी, और तुम्हारे बच्चे की नाक भी यहीं पर होगी। एक बात सोचो कि हमारी नाक ऐसी की ऐसी ही क्यों है, ये कौन लाता है? जेनेटिक्स, वंशागत की। मेरे पास दो हाथ हैं, पिताजी के पास भी दो हाथ हैं, उनके पिताजी के पास भी दो हाथ था, आने वाले बच्चे के भी दो ही हाथ होंगे। ये दो हाथ दस उंगलियां का कॉन्सेप्ट कौन डिसाइड करता है? विज्ञान की एक शाखा, वंशागत की। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना, एक बार वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, 200 के साथ शेयर कर दो, 300 की जनसंख्या कम से कम आज की क्लास में होनी चाहिए, मजा आएगा क्लास को पढ़ाने में, बहुत जबरदस्त क्लास आज होने वाली है। क्या है वंशागत की, आपस में बात नहीं करिए, वंशगत की का मतलब यह हो रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वंशगत की जो है उसके बाद आता है विविधता,
लेकिन एक चीज देखने ये मिलती है, लेकिन ये देखने ये मिलती है कि बहुत सारी मतलब अधिकतर सामान्यताओं के बीच, अधिकतर सामान्यताओं के बीच में बहुत सारी सामान्यता है, सामान्यता के बीच कुछ लक्षण जनकों से भिन्न होते हैं, कुछ लक्षण जनकों से भिन्न होते हैं। अब जनकों से भिन्न होते का मतलब, जनक मतलब जानते हो ना, जनक मतलब होता है माता पिता, उनसे भिन्न है। जस्ट कि मेरे माता पिता का मतलब ठीक है, मतलब बोलने का तरीका अलग था, आंखें अलग प्रकार की हैं, चेहरे का रंग रूप अलग प्रकार का है, समझ रहे हो। हम अपने माता पिता से पूरी तरह से समान नहीं होते, थोड़े से अलग ही होते हैं, थोड़ा सा अलग ही होते हैं। तो यह याद रखना कि अधिकतर चीजें सामान्य हैं लेकिन कुछ अंतर है। जस्ट लाइक आप अपने माता पिता को देखो तो आपको दिखेगा कि माता की मतलब पिताजी की नाक, बाल भी वहीं पर हैं, दाढ़ी भी वहीं पर है, मुंह वहीं पर है, 32 दांत है, कान उतने हैं, शरीर उतना है, वंशागत की है। लेकिन जब तुम अपने माता पिता के बाजू में खड़े हो गए तो सेम टू सेम नहीं दिख रहे हो ना यार, कुछ तो अंतर है। ये जो अंतर है ये विविधता कहलाता है। बहुत सुंदर बात है, ये दूसरा शब्द भी आपको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो अंतर है। कुछ और शब्दों के बारे में समझते हैं जो इन चैप्टर्स में आपको काम आएंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे शब्द हैं बेटा, और उन शब्दों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आइए एक एक करके शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द होता है कारक, सबसे पहला शब्द होता है कारक, और उसे हम कहते हैं बेटा फैक्टर। किसने बताया था? मेंडल साहब ने दिया था, मेंडल सर ने बताया। किसने बताया था? मेंडल सर ने बताया था। अब क्या बताया था भैया? कि विविधता और वंशागतिकी के लिए, वंशागतिकी एवं विविधता के लिए, विविधता के लिए एक विरक्त इकाई, विरक्त यानी डिस्क्रीट, बटा हुआ, विरक्त इकाई होती है, विरक्त इकाई होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कारक कहते हैं बेटा, जिसे हम कारक कहते हैं। तो मेंडल साहब ने कहा कि यार वंशागत की विविधता के लिए एक विरक्त इकाई होती है, फैक्टर, वेक्टर, फैक्टर होता है, उस इकाई को जिसे कहते हैं वो जो है कारक कहलाता है, फैक्टर। तो मेंडल साहब ने कह दिया कि है यार जो भी है ना यही कर रहा है, चाहे लक्षणों को लाना हो और चाहे बदलाव को लाना हो, कोई लाता है तो कारक लेकर आता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू सो मच 300 नंबर लाने के लिए, इसके ऊपर भी बढ़ाते जाइए, शेयर करते जाइए, ठीक बात है। दूसरा शब्द आया बेटा जीन, जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन साहब ने। किसने दिया बेटा? जोहानसन साहब ने। नाम जरूर लिखिएगा और उनके आगे थोड़ा सा रिस्पेक्ट जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि यार ये फेवरेट साइंटिस्ट में से एक है, इनके नाम के आगे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पीछे भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जोहानसन साहब ने बताया और कहा इन्होंने क्या कहा, कहा कि वंशागतिकी के लिए, वंशागतिकी का कारक, का जो कारक है, कारक अब जीन नाम से जाना जाता है। अब किस नाम से जाना जाता है? जीन के रूप में पहचाना। इन्होंने कहा कि असल में वो जो लक्षण है, वो जो बना रहा है वो जीन है। वो कौन है मेरे बच्चे? जीन है, वो जीन है, जोहानसन साहब ने बताया, ठीक बात है यार। चलो तीसरे नंबर पे आते हैं कि जीन है तो ठीक है, चलो मान लिए जीन क्या होती है। अब एक बात और यहां पर आती है कि जीन या जो कारक है, यहां पर एक लाइन निकल कर आती है, जीन या जो कारक होता है वो हमेशा जोड़े में होता है। हमेशा किस में होता है बेटा? जोड़े में, जोड़े में होता है, पेयर्ड होता है, जोड़े में होता है, पेयर्ड, बहुत सुंदर बात है। तो जोड़े का क्या मतलब है, जोड़े का मतलब क्या है? तो जोड़े में कहानी आती है तीसरी शब्द की। अब तीसरे शब्द की यह कहानी आती है कि एक कहानी होती है यार जीन इज इक्वल्स टू लक्षण, जीन लक्षण बनाता है। ये किसी ने कह दिया कि जीन लक्षण बनाता है, कैसे बनाता है? तो इसने कहा कि जस्ट लाइक मान लो एक जीन है तीसरा, जिसे अपन कहते हैं बेटा जीनो टाइप। जीनो टाइप का मतलब होता है बच्चा जीन प्रारूप। अब इसको समझो, व्हाट इज जीन प्रारूप, थोड़ा फटाफट समझ रहे, चीजों को आसान भाषा में जल्दी 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 समझ लेते हैं। जीन प्रारूप, कॉपी में लिखते चलना,
क्या होता है बच्चा जीन प्रारूप? जीन प्रारूप मतलब जब हमने जीन को शब्द दिया ना, तो या तो दे दिया कैपिटल टी एक जीन प्रारूप हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये जीन प्रारूप हो गए। इनको डिटेल करेंगे, टाइप ऑफ जीन, जीन के प्रकार, बाद में मैं समझाऊंगा इसको, जीन के प्रकार, जितने जीन के प्रकार बनेंगे उन्हें हम जीनोटाइप कह देंगे। ठीक है यार, बहुत सुंदर। तीसरा, चौथा पार्ट आता है जिसे अपन कहते हैं जनाब फिनोटाइप। अब ये क्या होता है यार, फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप। अब जस्ट एग्जांपल के लिए देखो कि कैपिटल टी वाला जो है लंबे पौधे बना रहा है, लंबा बौना, ये जो बन रहा है ये लंबा है, ये भी लंबा है लेकिन ये बौना है। तो लंबा और बौना जो लक्षण दिखाई देते हैं वो लक्षण प्रारूप है। मतलब जब हम क्रॉस ऑफ करेंगे ना यार, तो होगा क्या कि कुछ प्रकार के जीन होंगे, कुछ प्रकार के लक्षण होंगे। तो जितने प्रकार के जीन हैं उतना जीनोटाइप, और जितने प्रकार के लक्षण होंगे वो लक्षण प्रारूप बन जाएंगे, फिनोटाइप बन जाएंगे। अभी शॉर्टकट में समझ लो, बाद में डिटेल कर करके मैं इसे अच्छे से समझाता जाऊंगा। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। इसके बाद चौथा हो गया ना, पांचवें नंबर पे वर्ड आता है एक को हम कहते हैं डोमिनेंट। ये भी शब्द आपको कहीं दिखाई देगा। क्या यार डोमिनेंट यानी प्रभावी? अब सवाल ये आता है कि मान लो दो जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है इसका, दोनों लक्षण हैं, लेकिन इसका जो लक्षण आएगा वो लक्षण कैसा आएगा? ना कैपिटल उसका आएगा, ना कैपिटल टी का, ना स्मॉल टी का, दोनों में से किसका आया? तो कैपिटल टी स्मॉल टी में से किसी एक का आएगा। तो इसे हम कहते हैं यार कि ये जो है ना लंबा पौधा होगा, लंबा होगा। तो अगर ये लंबा खुद को प्रदर्शित किया, तो आपको ये बताना है कि यार जब भी अलग अलग जीनों में, अलग जीन में कोई एक जीन ही प्रदर्शित करता है, लक्षण प्रदर्शित करेगा, कोई एक जीनी लक्षण प्रदर्शित करता है, जो खुद एक अपने आप को प्रदर्शित करता है, वो प्रभावी कहलाता है। प्रभावी कहलाता है, ठीक है यार, ये प्रभावी कहलाता है। तो प्रभावी कौन है? कैपिटल लेटर में लिखते हैं इसको, ये भी लिख लेना, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जो कैप प्रभावी होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जैसे कैपिटल टी लंबा, जैसे कैपिटल आर गोल, ठीक है, जैसे कैपिटल वाई येलो, ये सारे यार जो है पार्ट है वो प्रभावी गुण है। कौन सा गुण है मेरे बच्चे? प्रभावी गुण है, प्रभावी गुण है, जो खुद को प्रदर्शित करेगा वो प्रभावी गुण है। छठवें नंबर का पार्ट, अप्रभावी। अप्रभावी क्या है यार? अप्रभावी में वह जीन जो खुद के लक्षणों को, जो लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाए, जो प्रदर्शित नहीं कर पाता, जो अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। इनकी और डेफिनेशन हम समझाएंगे कि भी सामान्य डेफिनेशन है, अप्रभावी कहलाएगा। स्मॉल टी बौना, ठीक है, स्मॉल आर, ठीक है, झुर्रीदार, ये सब कहानियां आती हैं कि आर झुर्रीदार है, ये सब बौना रहेगा। कौन से लेटर में लिखा जाता है बच्चा? स्मॉल लेटर में। किसमें लिखा जाता है? स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यहां तक बात अगर समझ में है, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा रोर फटाफट बताइए, यहां तक बात है, समझ में है हाँ या ना? जो अपने गुण प्रदर्शित नहीं करता। इनकी बड़ी बड़ी डेफिनेशन अभी आएंगी चैप्टर शुरू होने के बाद, लेकिन यार चैप्टर से पहले कुछ तो पढ़ लें, कुछ तो जान लें। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही है शॉर्ट नोट बेटा फ्यूचर डॉक्टर। ये क्या बनवा रहा हूं, सब शॉर्ट नोट ही है, अब इससे शॉर्ट क्या करोगे? अरे कहो, अरे कुछ तो बोलो, अरे कह दो, कॉमेंट सेक्शन कहां है तुम्हारा, भूल गए क्या? ठीक है भैया, ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये भी बात हो गई, बहुत सुंदर बात है। छह टर्म्स हो गए, सातवें टर्म्स की तरफ में चलते हैं, सेवंथ नंबर का पार्ट। एक को अपन कहते हैं समयुग्मजी। ये शब्द क्या है जी? समयुग्मजी, इसे हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं होमोजाइगस। ये क्या होता है? जब दोनों जीन समान हो, दोनों जीन समान हो, जब दोनों जीन समान हो
तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर होमोजाइगस, दोनों जीन समान। आठवीं बात, विषम युग्मजी जब बनेगा उसे हम कहते हैं हेटरोजाइगस, और जब ये हेटरोजाइगस बनेगा तो अलग अलग जीन कैपिटल आर स्मॉल आर, ये विषम युग्मजी हो गया। कौन सी अवस्था आई मेरे बच्चे? विषम युग्मजी, तो होमोजाइगस और हेटरोजाइगस। इतने शब्द याद हुए कि नहीं हुए? इतने शब्द सभी बच्चों को याद हुए कि नहीं हुए? अगला शब्द पढ़ाने जा रहा हूं, सबसे कठिन वाला, सबसे ज्यादा बच्चे उसी में परेशान होते हैं, तो बता दो यहां तक समझ में आ गया। एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूं, आ जाओ देखो फटाफट। देखो यार, मैंने तुम्हें बताया कि वंशागति का मतलब होता है लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जाना। समान प्रकार के कुछ लक्षण जाते हैं, मेरी जीभ भी वहीं पर है, पिताजी की जीभ भी वहीं थी, दादाजी की भी वहीं थी, भाई कसम खा के कह रहा हूं वहीं थी, सच कह रहा, कोई झूठ वाली बात नहीं है, थी मतलब थी, तो वंशागति की वजह से थी। विविधता, एक बात और बताता हूं कि मेरे पिताजी की बॉडी अलग टाइप की थी और दादाजी की एकदम अलग और मेरी एकदम अलग, तीनों समान नहीं है, ये भी कसम खा के कह रहे, एकदम सही है, ऐसा था, वो भी विविधता की वजह से आती। किसकी वजह से? विविधता, कि भैया समानता तो होती है लेकिन कुछ ना अंतर भी आते हैं, ये जो अंतर आते हैं वो विविधता है। फिर कुछ शब्दों को पढ़ना बहुत जरूरी है यार, एकदम शब्दों को जानना जरूरी है कि कारक जो है ना भाई, फैक्टर, ये कौन है? तो मेंडल साहब ने ऐसे नहीं कहा कि कुछ भी हो रहा है यार, इन्होंने कहा कि जो बना रहा है ना लक्षण लक्षण, असल में मेरे पिताजी से मेरे में क्या आ रहा है? कारक, लक्षण आ रहे हैं, लक्षण कारक के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, तो कारक वो हैं जो लक्षण बनाते हैं, कारक जो हैं वो लक्षण बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें कारक कहा जाता है। कारक हमेशा जोड़े में होते हैं जनाब, हमेशा जोड़े में। जीन जो है जोहानसन साहब ने खोजा था और कहा था कि असल में कारक नहीं, जीन है वो जो बनाता है, जीन है वो जो बनाता है, ये भी ठीक होगी। फिर आ गई जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर यार जीन का प्रकार जितने सारे होंगे वो जीनोटाइप है, और जितने लक्षण के प्रारूप होंगे वो लक्षण प्रारूप है, बहुत सीधी सी बात होगी। फिर समझ में आया कि यार जीन ना दो प्रकार के होते हैं, अगर दोनों अलग अलग प्रकार के हैं दोनों, हाँ फैक्टर को ही बाद में जीन के तौर पर पहचाना गया, फैक्टर को ही बाद में जीन की तरह पहचाना गया। फिर देखा गया कि दो अलग अलग जीन, अच्छा ठीक है, मैं जैसे कह दिया कि कैपिटल टी है, लंबा और बौना में कौन बनेगा बताओ मुझे? मेंडल साहब ने कहानी निकाली कि मैं सफेद फूल और बैगनी फूल का क्रॉस करवाऊंगा, मैं सफेद फूल और बैगनी फूल का क्रॉस कराऊंगा, आखिर बनेगा क्या? बनेगा क्या? सफेद की बैगनी, जो आएगा लक्षण वो प्रभावी होगा, जो नहीं आएगा वो अप्रभावी होगा, यही तो बात है। जो आ गया वो प्रभावी, जो नहीं आया वो प्रभावी अप्रभावी, सॉरी, ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब सवाल ये आता है कि डोमिनेंसी, अगर कोई लक्षण खुद को लड़ाई में जीत जाता है, कैपिटल टी भी था स्मॉल टी भी था, विषम युग्मजी अवस्था में थी, ठीक है, ये भी याद रखना, विषम युग्मजी अवस्था में, विषम युग्मजी होता है, विषम युग्मजी जब दो होंगे तो विषम युग्मजी में दोनों अलग अलग प्रकार के थे, एक ने रिप्रेजेंट किया और एक रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, जो रिप्रेजेंट किया वो प्रभावी था, जो नहीं कर पाया वो अप्रभावी था, ये भी ठीक हो गई। चलो भाई बढ़िया, ये भी समझ में आ गया, अप्रभावी था। समयुग्मजी की मतलब होमोजाइगस, दोनों जीन एक समान, समयुग्मजी, दोनों जीन अगर एकदम समान है समयुग्मजी होगा, और अलग अलग है तो विषमयुग्मजी होगा। अब एक सबसे बड़ी चीज जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा युग्म विकल्पी एलील्स, या इसे कई बार मतलब हिंदी वाली भाषा में एलीलोमार्फ भी कहते हैं कि व्हाट इज एलीलोमार्फ, व्हाट इज युग्म विकल्पी एंड व्हाट इज एलील। अप्रभावी को रिसेसिव कहते हैं बेटा, रिसेसिव, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है और ये है डोमिनेंट, ठीक। अब एलील के बारे में क्या कहा जाता है? पेयर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एक जीन का
अल्टरनेटिव फॉर्म। दुनिया में दो प्रकार से लक्षण हो सकते हैं, या तो लंबा या तो बौना। तो जस्ट लाइक अगर कहीं पर कैपिटल टी है तो स्मॉल टी भी हो सकता है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी है, अल्टरनेटिव फॉर्म है उसका, या तो युग्म विकल्पी है, याद रखना जीनों का विकल्पी रूप, इसे हम कह सकते हैं जीन का विकल्पी रूप, विकल्पी रूप एलील कहलाता है, एलील कहलाता है। ठीक है यार, चलो एलील कहलाता है मान लिए। अब ये जो एलील कहलाता है, एग्जांपल तो बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। इस दुनिया में जहां लंबे वाले के लिए भी जीन है तो बौने के लिए भी जीन है। लंबा पौधा भी रिप्रेजेंट होता है तो बौना पौधा भी रिप्रेजेंट होता है। अगर कहीं पर मान लेते हैं सफेद फूल बनता है तो बैगनी फूल भी बनता है। अगर कहीं पर फूल गोल गोल दाने बीज के मिलते हैं तो झुर्रीदार भी मिलते हैं। दुनिया भर की चीजें हैं, मिलते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे शब्द, और इतनी कहानियां मेरे सारे बच्चों को दिमाग में बैठ जानी चाहिए, और ये शब्दों को याद करके ही हम इस चैप्टर में मैराथन्स लेंगे, इस चैप्टर में हम आगे डिटेल तक जाएंगे। कमेंट सेक्शन पे एक बार फिर से आपका इंतजार कर रहा हूं, फटाफट कमेंट सेक्शन पे बताइए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और संख्याओं को बढ़ाते जाइए। जबरदस्त चैप्टर है, शुरुआत होने जा रही है एक ऐसे कांड की जिसका नाम है मेंडल साहब का कांड। हम पढ़ने जा रहे हैं अभी मेंडल साहब का कांड, मेंडल साहब की कहानियों का डिटेल से हम बात करेंगे। बताइए, शेयर कर दिया, चलो भाई बढ़िया। तो अब हम यहां से शुरू हो रहे हैं मेंडलवाद, यहां से कहानी शुरू हो रही है मेंडलवाद की, जो आज का मेन टॉपिक था, जिसकी कहानी की शुरुआत हो रही है मेंडल साहब की। ठीक है, मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट बेटा, इन्होंने क्या क्या किया पहले यह जान लेते हैं। मेंडल साहब ने किया, इन्होंने मटर के पौधे पर जिसका नाम था, बायोलॉजिकल नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम पर रिसर्च किया, पर खोज की। ठीक है, जान लिए भाई, खोज की, बहुत सुंदर बात है। 7 साल ये रिसर्च चला, पहले एक साइंटिस्ट है, 7 वर्षों तक, वो वर्ष कब थे, 1863 और 1856 से लेकर 63 तक किया, बहुत बढ़िया। क्या किया, ये दो बातें हो गई, 7 वर्षों तक उनके ऊपर रिसर्च किया, 1856 से 1863 तक ये रिसर्च किया, 7 वर्षों तक रिसर्च चला, मटर के पौधे पर चला, 7 वर्षों तक चला, रिसर्च हुआ। अब आता है मेंडलवाद की शुरुआत। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट क्या था, परीक्षण क्या किया इन्होंने, परीक्षण की विधि, एक्सपेरिमेंट की विधि बताओ यार, असल में किया क्या था, यह बच्चों को पता नहीं होता। मेंडलवाद, इस पे क्रॉस किया, उस पे क्रॉस किया। मैं बचपन में सोचता था यार, ये क्रॉस आदमी करता कैसे होगा आखिर, यार दिमाग खराब कर दिए हैं, लाल पौधा को नीले पौधे से करा दिए, गुलाबी को सफेद से करा दिए, आखिर हुआ कैसे, मेंडल साहब ने किया कैसे, मेरे को समझ नहीं आता था, दिमाग खराब होता था। आपको पता है कैसे किया था ये सब चीजें, बताओ। मुझे 12th में समझ ही नहीं आया था, बहुत दिनों तक लग रहा था, ए भाई सब किया कैसे होगा यार, क्रॉस करवा दिए, बताओ मजाक चल रहा है क्या, है लंबे पौधे बौने पौधे क्रॉस करा दिया, लंबा आ गया फिर से, हैं ये आखिर मतलब कौन सा जादू है ये, दिमाग तो खराब होगा ना भाई, मेरा भी खराब हुआ, अरे यार ऐसे कैसे, गार्डन पे रिसर्च कर, अरे गार्डन पे कैसे, पकड़ा और मिला दिया, ले मिल लो, जाओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, ऐसा कैसे किया, यही तो दिमाग खराब होता है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ, पता नहीं कोई पढ़ाते ही नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे किया, जाने आता हूं, आ जाओ मैं आपको बताता हूं कैसे, उद्यान पटर प्रयोग तो किया, मेरे को भी पता है किया कैसे। तो इन्होंने 3-4 चीज बताई, बहुत ध्यान से समझना, इन्होंने क्या किया, विधि बताता हूं, विधि यहां पे लिखना, विधि पे क्रॉस करने की विधि एक होती है, क्रॉस करने के लिए एक बात याद रखना, कभी भी किसी लक्षण को मिलाना और पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने के लिए
जनन आवश्यक होता है, ये बात याद रख लेना। यहां से मैं पहले लिखते हुए चल रहा हूं, पिछला चैप्टर वैसे मैंने पढ़ाया है लेकिन फिर भी बताता हूं, ठीक है। लक्षणों के स्थानांतरण के लिए, लक्षणों के स्थानांतरण के लिए जनन आवश्यक है। तो अपना पूरा ध्यान अब जनन पे लेकर जाओ, अब जनन पे जनन आवश्यक है, जनन होना चाहिए। अगर जनन नहीं आएगा लक्षण कभी स्थानांतरित नहीं होगा। जनन, रिप्रोडक्शन, इस विधि पे कहानी पूरी चलेगी। जनन पे ही पूरा फोकस किया और जनन पे ही पूरा रिसर्च हुआ, जनन के ही द्वारा सारे बच्चे पैदा हुए। अच्छा, एक और चीज आती है कि मेंडल साहब ने मटर को चुना, मटर को चुनने के पीछे रीजन, वाई ऑनली मटर, वाई ऑनली मटर, मतलब आपका जो उद्यान मटर, ये भी लिख लेना है ना, कहीं लिख दे कि अगर कौन सा मटर यार, जंगली मटर है ना, मीठा मटर, खट्टा मटर, उद्यान मटर, तो भूल मत जाना उद्यान मटर का रिसर्च किया था, ठीक है। वाई ऑनली मटर, उद्यान मटर, ये भी रिसर्च आता है। ये द्विलिंगी था, इस वजह से द्विलिंगी था। दूसरी बात, अलग अलग विपर्यायी लक्षण, अब इसका मतलब भी बताता हूं मैं आप लोगों को, विपर्यायी लक्षण उपलब्ध थे, ये भी लिख लेना। तीसरी बात, एक वर्षीय पौधा छोटा जीवन काल है, इसलिए रिजल्ट जल्द आता, ये एक रिसर्च का कारण था। तो इनके रिसर्च करने के पीछे बड़ा रीजन था कि यार क्यों ले रहा है। तो पहली चीज तो द्विलिंगी है इसलिए ले लिया, आसान होता ना क्रॉस करवाना, अलग अलग विपर्यायी लक्षण थे उनको कराना आसान था, एक वर्षीय पौधा है, फटाफट रिसर्च होगा, जल्दी जल्दी रिजल्ट आएगा, सब कुछ बढ़िया होगा, इसलिए कर लिए, सब कुछ इसलिए चल रहा है, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें खासकर काम हुई। अब लक्षणों के क्रॉस करवाने के लिए ना तीन विधि की, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इमास्कुलेशन किया। अब अच्छा, पौधों में जनन कैसे होता है, पुष्पों के द्वारा। पौधों में जनन होता है पुष्पों के द्वारा। तो इन्होंने किया क्या, पौधों के जनन पुष्पों के द्वारा किया, कि सबसे पहला जनकों का चुनाव करो। अब व्हाट इज जनकों का चुनाव, मतलब यार सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अगर तुम्हें कोई काम करनी है तो उन दो पौधों का चुनाव करना पड़ेगा, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा को ढूंढो, कहीं से ढूंढो, ढूंढ के लेकर आ गए। अब उसकी पत्ती जनन नहीं करती, उसकी पत्ती जनन नहीं करती है, उसकी बाकी चीजें जनन नहीं करेंगी, तो क्या करेंगे, तो जनकों का चुनाव करेंगे, सिलेक्शन कर लिए, पहली बात। दूसरा पॉइंट, जब जनकों का चुनाव हो गया, ठीक है, अब पौधों में पुष्पीय पौधों में आसान जो है पुष्पीय पौधों को ले लिया। दूसरा लक्षणों का चुनाव, दूसरा पॉइंट क्या करना है, लक्षणों का चुनाव, कि तुम किस आधार पर, किन लक्षणों पर क्रॉस कर रहे हो, लक्षणों का चुनाव तुम कर लियो, लक्षण देख लो कि यार हाँ ये लक्षण मुझे चाहिए, लंबा पौधा, बौना, एग्जाम्पल के लिए कि एक लंबा है तो दूसरा पौधा जो है वो बौना होना चाहिए। अब इनका क्रॉस करवाएंगे। इनका क्रॉस करवाने का तीसरा तरीका आता है बेटा इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन का मतलब होता है विपुंशन। अब ये विपुंशन ऐसा है कि पौधा रखा हुआ है, ठीक है, एक मटर का पौधा यहां पर बौना वाला रखा हुआ है, तो क्या वो इंतजार करेगा कि वो जो मेंडल साहब भेजे हैं बौना लंबा वाला, मैं उसी से क्रॉस करूंगा, दिक्कत हो जाएगी। द्विलिंगी है ना बाबू, नर और मादा दोनों हैं, आपस में ही क्रॉस कर लिए लाल लाल वाला, तो बौना बौना वाला क्रॉस कर लिए, तो लंबा लंबा क्रॉस कर लिए, तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले द्विलिंगी को एक लिंगी में बनाओ, दो लिंगी को एक लिंगी में बनाओ, उसका नर को काटो, फेंको उसको वहां से, महिला ले लो, मान लो एक ठो, एक नर और मादा पुष्प में दोनों अंग होते हैं पुष्प के अंदर, तो पुष्प के नर वाले को काट के भगा दो, ताकि स्वय जनन ना हो सके, पर संकरण ही होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बौने का क्रॉस लंबे से करवाएंगे,
तो बौने का पौधा है तो नर भी बौना है और पुरुष भी बौना है, दोनों ना बौने होंगे, नर को भटा हुआ से। विपुंशन का मतलब होता है कि मतलब जनक पौधों में से एक लिंगी बनाना, मतलब यहां पर याद रखना पुंग केसर को हटाना, पुंग केसर को हटाना। अब जब पुंग केसर को हटा दी पुंग केसर को, यार क्या जरूरत तुम्हारी है, भागो यहां से, जो हम चाहेंगे उसको लगाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, जो हम चाहेंगे उसको क्रॉस करवाएंगे। तो विपुंशन से उसको हटा दी, फिर क्या करेंगे, विपुंशन करने के बाद चौथे नंबर पर आता है संकरण, चौथे नंबर पे आता है फिर संकरण। अब संकरण का मतलब क्या है भैया, संकरण का मतलब होता है क्रॉस करना, क्रॉस सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच, सेलेक्टेड पेरेंट्स के मध्य कृत्रिम पुष्पन करवाया जाता है, मतलब कृत्रिम क्या बोलते हैं उसको, क्या कहा जाता है, परागण करवाना, परागण करवाते हैं, करवाते हैं, ठीक है, कृत्रिम परागण करवाएंगे, कृत्रिम परागण कराएंगे, चलो यहां से नर और मादा जो है वो नर तो है नहीं, अब मादा के लिए जिस नर को हम वहां पर लेकर जाएंगे सिर्फ उसी से जनन करेगी, कोई अलग मेल वाला पार्ट वहां पर पराग के द्वारा पहुंचेगा ही नहीं। इन चार विधियों को सिलेक्ट किया। अच्छा तुमको पता है तुम घर में भी कर सकते हो ये चीज, तुम घर में भी कर सकते हो, पर पौधों का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें पौधों का ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें तो बस देखते रहते पौधा हाँ कब पकेगा आम और खा लो, ठीक है, हमको पौधों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पौधों में इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर तुम्हें इंटरेस्ट होगा तब रिसर्च होता है, तब ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज आती हैं कि ये सब हो पाता है। तो लक्षणों का चुनाव होना चाहिए, जनकों का चुनाव करो, फिर इमास्कुलेशन विपुंशन हटाओ, संकरण कर दो, इसके बाद रिजल्ट आ जाता है, इसके बाद रिजल्ट आ जाता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करोगे रिजल्ट आ जाएगा। ये चार विधियां हैं जो मेंडल साहब ने पूरी तरह से फॉलो की थी, पूरी तरह से फॉलो की थी। ये पहला पार्ट मेंडल साहब का इंट्रो इन टॉपिक पे आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाला जो टॉपिक है मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट्स की, क्या क्या किया आज मैंने आपको, मेंडल साहब के शब्द, मेंडल साहब की कहानियां, मेंडल साहब के जो वक्तव्य, जो भी चीजें थी वो सब बात मैंने आज आपको पढ़ा दी है। इतनी बातों को आज आपको ध्यान पे रखना है, इतनी ही चीजों को आज आपके पढ़ के रखना है। नेक्स्ट डे फिर मैं मेंडल साहब की पूरी कंप्लीट कहानियों को कल अपन डिस्कशन करेंगे और कल ही उसे अपन खत्म भी कर देंगे। सो बेटा जी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और अगर पुराने हैं तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक है योगेश शुक्ला सर बायोलॉजी, योगेश शुक्ला बायोलॉजी इंस्टाग्राम, योगेश चंद्र शुक्ला फेसबुक पे हम आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा जी, आप अपना बहुत ध्यान रखें, लव यू ऑल, दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजो और देखो जानो वंशागत की का सबसे आसान प्रारूप को। थैंक यू।